गर्मियां शुरू होते ही ऐसी कई बीमारियां भी आ जाती हैं, जिसके लिए हमें पहले से ही सावधान रहने की जरूरत है, जिनमें से एक है हीट स्ट्रोक। हाल ही में देश के कई हिस्सों में हीट स्ट्रोक के कारण लोगों के मरने की खबरें सामने आई हैं। हीट स्ट्रोक के मामले अब 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ ही युवाओं में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आखिर ये हीट स्ट्रोक है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दरअसल जब शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है तो शरीर इस तापमान को कम नहीं कर पाता और ना ही पसीना आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को पार कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या है और इससे अपने आप को आप कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या है। नंबर एक पर बात करेंगे तेजी से तापमान बढ़ने की। बता दें, इस दौरान बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को पार करने लगता है। इसके अलावा बेहोश होना, हीट स्ट्रोक में तेज सिरदर्द, चक्कर आना, शरीर का तापमान बढ़ने के बाद भी पसीना ना आना, मांसपेशियों में दर्द होना, उल्टियां होना। इसके अलावा हीट स्ट्रोक के एक और लक्षणों में शामिल है तेजी से दिल धड़कना, तेज तेज सांस लेना या फिर कई बार धीरे धीरे सांस लेना। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं हीट स्ट्रोक का इलाज कैसे किया जा सकता है। बता दें, हीट स्ट्रोक की समस्या पता लगने पर शरीर को ठंडा रखना बेहद जरूरी होता है। शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी की पट्टियों का इस्तेमाल करें। आइस पैक को पेशेंट के गले, कमर या बगल में रखें। ध्यान रहे, बूढ़े बच्चों और जिन लोगों को किसी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम है उन पर बर्फ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये घातक हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर से संपर्क करें, उनकी सलाह के अनुसार ही इलाज करें। इसके अलावा किसी भी घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करने से बचें, ऐसा करना पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब जान लेते हैं हीट स्ट्रोक की समस्या से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो बता दें, सबसे पहले आपको अपना शरीर ठंडा रखने की बेहद ज़रूरत है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठंडी चीज़ों का सेवन करना है, जैसे कि नींबू पानी, तरबूज, खरबूजा, गन्ने का रस या फिर ऐसी ही ठंडी चीज़ों का, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते। इसके अलावा बूढ़े लोग और बच्चे लू से बचने के लिए दोपहर में बाहर ना निकले, घर से बाहर ना निकले, कोशिश करें घर पर ही रहें। इसके अलावा उल्टी, दस्त और बुखार होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लॉग इन करें thehealthside.com पर।